हर हर महादेव। दोस्तों आज के अपने ब्लॉग में हम दिखाने जा रहे हैं कि महाबलेश्वर की ट्रिप। तो दोस्तों आज है शिवरात्रि, पहले सभी को हैप्पी शिवरात्रि। और आज हम ट्रिप पे निकले हुए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि देखो महाबलेश्वर किस प्रकार की जाती है और कैसे की जाएगी, और आपको हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, फिल्मी लाइव बुके में आपका स्वागत है। दोस्तों जब मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है तो ये शिवरात्रि का दिन था, तो उस दिन मैंने ये वीडियो बनाया था, और जब मैं इसे पोस्ट नहीं कर पाया, मैं आज इसे पोस्ट करने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कभी भी करो वीडियो की क्या है, हर हर महादेव। दोस्तों आज शिवरात्रि का दिन है, आज बहुत ही पवित्र दिन है हम लोगों के लिए। तो दोस्तों आज हमने सोचा अपनी पूरी टीम के साथ में कि महाबलेश्वर निकला जाए दर्शन करने के लिए। तो हम सभी लोग देखो रास्ते में हैं और महाबलेश्वर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। अभी आप देख रहे होगे, देखो हम एक गुफा के अंदर टनल के अंदर चल रहे हैं, काफ़ी लंबी लंबी टनल्स हैं। जब हम महाबलेश्वर की तरफ जाते हैं तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। आप देख रहे होगे कितनी लंबी सुरंग है, ये कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। दोस्तों देखो क्या लाइटिंग है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों हम पूरी अपनी टीम के साथ में हैं। अपनी गाड़ी से जाने में या कार से, टैक्सी वगैरह से जाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। दोस्तों सभी लोग साथ में होते हैं, यूनिट के लोग साथ में हैं मेरे, आराधना जी मेरे साथ में है, अतुल बत्सल है और रवि है। हेलो दोस्तों, तो आज है हम अभी तो फिलहाल पुणे में, और वहीं जा रहे हैं महाबलेश्वर, हर हर महादेव। चाय पीने के लिए हमारी टीम मिली हुई है, अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, हमारी सरकारी मिली हुई है, अभी निकल जाएंगे। आप पीछे का भी देख सकते हैं कितना अच्छा है, मस्ती कमाल, मजे आ रहे हैं। दोस्तों आज हम जा रहे हैं महाबलेश्वर, और आपको हम लोग चाय पीने वाले हैं। तो अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ रेस्टोरेंट, हमने चाय के लिए ऑर्डर किया हुआ है, सभी लोग बैठे हुए हैं, जैसे मैंने भी दिखाया चाय के लिए ऑर्डर किया हुआ, चाय आ रही है। और जैसा कि हम लोग फास्ट में हैं तो हम सिर्फ चाय पियेंगे, और ये दो लोग हैं ये कुछ भी खा सकते हैं, वेज जो भी खाते हैं। और हम सभी लोग बेसब्री से इंतजार है चाय का, ट्रिप के दोस्तों चाय ना हो तो मज़ा नहीं है। वैसे आज हमने भगवान भोलेनाथ जी का व्रत रखा है, शिवरात्रि माँ शिवरात्रि साल में एक बार आती है, और एक बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये त्यौहार पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, क्योंकि मैं भारत में रहता हूँ तो भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है हर हर माह। और अभी हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अभी आपको भी दर्शन कराएंगे बाबा भोलेनाथ के। तो दोस्तों अभी हम रास्ते में काफ़ी देर से चल रहे थे, मुंबई से महाबलेश्वर 300 किलोमीटर की दूरी पर लगभग, और अभी हम सब लोग बैठे हुए हैं अपनी टीम के साथ में और चाय पीने के लिए बैठे हुए हैं। चाय पीने का मूड हो रहा था तो हम लोग चाय पीने के लिए अभी पूरी टीम के साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। चाय पीने दोस्तों, चाय के बाद हम और अभी चाय नाश्ता करने के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से काफ़ी दूर है महाबलेश्वर, देखो अतुल फोटो लेने में लगे हुए हैं, सेल्फी ले रहे हैं, सॉरी। अभी दोस्तों हम फिर निकल पड़े हैं महाबलेश्वर की तरफ, और हमारी गाड़ी भाग रही है काफ़ी तेज़ी से, जल्दी ही महाबलेश्वर में पहुंचना है क्योंकि शाम हो जाएगी तो फिर नज़ारा मज़ा नहीं आएगा उधर का, मगर फिर भी पट बंद होने से पहले ही हमें वहाँ पहुँचना है। दोस्तों दोस्तों अभी आप देख रहे होंगे हमको, हम लोग आ चुके हैं महाबलेश्वर, और अब दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ। महाशिवरात्रि का पर्व पे आज मैं महाबलेश्वर आया हूं, और उनके दर्शन पाकर मंदिर में 300 साल पुराना त्रिशूल, रुद्राक्ष, डमरू भी है,
भगवान शिव को समर्पित इस आकर्षक मंदिर में उनके वाहन और उनके अंगरक्षक काल भैरव की कई नक्काशी भी हैं। यहाँ पर एक चौकोर आकार में एक उठा हुआ मंच भी देखा जा सकता है, जिसे मराठा शासक शिवाजी द्वारा दान में दिया गया था, जो उनकी माँ जीजाबाई के वजन के बराबर है। हर हर महादेव। और भी काफ़ी सारे तथ्यों के बारे में दोस्तों मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में, तो अभी हम दिखाते हैं कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और काफ़ी सारी यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। दोस्तों महाबलेश्वर मंदिर भारत के महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को महाबली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों मंदिर की खास बात यह है कि इसमें जो शिवलिंग है वो एक रुद्राक्ष के रूप में बना हुआ है, और जो कि बहुत ही अलग है। ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से सबसे अलग है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार आप जरूर आइए इस जगह और दर्शन करें। दोस्तों एक बार यहाँ पे जरूर आइए और भगवान शिव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। हर हर महादेव। तो दोस्तों अगर आप मुंबई में हैं और भगवान शिव के दर्शन करना चाहते हैं प्राचीन मंदिर के, तो आप महाबलेश्वर जरूर जाएं। महाबलेश्वर मंदिर मराठा विरासत का यह उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आज भी कई 100 सालों के बाद भी गर्व से खड़ा हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी के समय का है, जो हेमा मंडित स्थापत्य शैली के वास्तुकला प्रदर्शित करता है। मंदिर के भीतरी भाग में 500 साल पुराने स्वयंभू लिंगम हैं, जिन्हें महालिंगम कहा जाता है। यह शिवलिंग रुद्राक्ष के आकार में है और यह स्थान 12वें ज्योतिर्लिंगों में से श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों कहीं दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो अपने साथ अगर दोस्त ना हो या फिर अपने ग्रुप के लोग ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है, या फिर फैमिली के लोग हों तो अच्छा लगता है। तो आज हम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे मैंने दर्शन प्राप्त कर लिए हैं, तो मेरे पीछे आप देख रहे हो कुंड है और जबरदस्त मैंने दर्शन प्राप्त कर लिए हैं और जबरदस्ती मंदिर है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ए भाई वीडियो मार दे। दर्शन कर चुके हैं। हाँ। महाराज जी के और मजा आया दर्शन करके। दोस्तों मैं अच्छा लगा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने मंदिर बनवाया था तो हमें गर्व है बहुत, और उन्होंने इसकी रक्षा भी की। दोस्तों मैं धन्य हुआ आज शिवरात्रि वाले दिन मेरा पास था और आज ही मैंने उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। सच में मजा आ गया। हर हर महादेव।
अच्छा रास्ता है, मस्त रास्ता, एकदम एडवेंचरस टाइप का। आपको दिखाऊं मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब एकदम सुनसान एरिया है, बड़ा ही अच्छा एडवेंचर रास्ता बना हुआ है यहाँ पे, मस्त एरिया है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है इधर चलने में, जैसे हम अपने मथुरा वृंदावन में चलते हैं। दोस्तों मैं मुंबई से 320 किलोमीटर आगे हूँ, महाबलेश्वर। मैं बाबा भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ, मेरे साथ में आराधना सचान और साथ में है हर हर महादेव, साथ में गुल्लू है, मतलब अतुल पत्सल, और है वो क्या नाम है, रवि सैनी, और भी हैं कई लोग अपने साथ की टीम के। तो दोस्तों बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी आप सोच रहे हो मैं इतना धीमे के चल रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख रहे होंगे कैसा रास्ता है ना, ये देखो कंकड़ वाला रास्ता है, पर कोई बात नहीं, मज़ा आ रहा है, मैं चल रहा हूँ। देखो आपकी हीरोइन भी चल रही है नंगे पैर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए कितना बेस्ट रास्ता है, कंकड़ पत्थर और पथरीले रास्ते। ए गुल्लू, ए साथ में चलो। तो भगवान भोलेनाथ की दया से कोई हमें ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है ना गुल्लू। इतने चिकने रास्ते पे कैसा लग रहा है? अरे मजा आ गया, मजा आ रहा है ना, असली मजा तो यही एडवेंचर का। दोस्तों अच्छे से दर्शन किए और हम उचकते उचकते जा रहे हैं। आप लोग भी महाबलेश्वर आइएगा दर्शन करने के लिए, यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा दर्शन करने के लिए। कई सारे स्थान बने, कभी इधर कभी उधर, कई सारे हैं। तो हम लोग अब जा रहे हैं लास्ट, लाइट पाइए थोड़ा सा, अब बताइए लास्ट टेम्पल बचा है जहाँ पर हम दर्शन करने जा रहे हैं। बाकी सारे जितने भी मंदिर थे इधर के, सारे मंदिरों का दर्शन कर लिए हैं, अब बस लास्ट बचा है तो वहाँ पर जा रहे हैं, जो कि सबसे कंकड़ीला पथरीला वैसा रास्ता, मतलब कठिन रास्ता है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। कृष्णा टेम्पल, कृष्णा देवी, अच्छा बारे वाह, हमारे यहाँ तो कृष्ण भगवान है या देवी है, जय हो आपकी। ये है दोस्तों, अब इसमें दर्शन करेंगे, ये है पंचगंगा मंदिर, तो हम जा रहे हैं वहाँ दर्शन करने। महाबलेश्वर आइएगा तो आप पंचगंगा मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा, उनकी कृपा होगी तो आप मुझे दर्शन करेंगे, इसलिए हम चलते हैं दर्शन करने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसा लगा? बहुत अच्छा। हर हर महादेव। महाबलेश्वर में और यहाँ पर बस थोड़े बहुत अभी दर्शन करके आए हैं, जा रहे हैं शॉपिंग करने, इधर देखिए यहाँ पे शॉपिंग करेंगे, कितना अच्छा देख रहे हैं आप, कितना अच्छा है यहाँ पर, पुरानी चीजें दीप दान लेना है, कुछ भी लेना, इस तरीके से पूजा पाठ मानिए, चीजें बहुत अच्छी अच्छी। और जी दर्शन कैसे हो गए? दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, यहाँ की कृपा है कि आज महाशिवरात्रि के दिन हम लोग उनके दर्शन किए, तो ये उनकी कृपा है, बोले बाबा ऐसे ही कृपा हम पर बनाए रखें। हर हर, हर हर महादेव, हर महादेव। चलो हर हर महादेव। दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ वापस मुंबई, वापस मुंबई की तरफ चलते हुए। चलो आओ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों मेरी आवाज में इतनी गूंज है, मैं सब पटरा देता हूँ। आज मैंने मंदिर में एक अचानक बोल दिया हर हर महादेव, सब डर गए।
दर्शन के साथ साथ मस्ती भी होनी चाहिए, उससे एक अलग ही सुकून होता है। अच्छा लग रहा है दोस्तों, चलते जा रहे हैं, अब बाहर की तरफ एग्जिट कर रहे हैं हम लोग।